एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बॉटम के पैंट डिज़ाइन आइडियाज़। जी हाँ, वुमेन्स एंड गर्ल्स के जो पैंट हम सिलवाते हैं ना कुर्ती के नीचे, उसके आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी डिज़ाइंस के। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो शेयर किया था जो कि कुर्ती डिज़ाइन आइडियाज़ थे, वो वीडियो काफ़ी पसंद आया आप लोगों को। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं यहाँ आई बटन पर दे दूँगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो पे स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे, ये डिजाइन आपको पसंद आए, तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को बेल के साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट जो मैं पैंट का डिजाइन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो ये है। सिंपल है ये डिजाइन, बिल्कुल भी इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ बॉटम में मैंने यहाँ पे लेस लगवाई है। सिल्क की पैंट मैंने सिलवाई थी, इसके साथ की कुर्ती भी मैंने सिलवाई थी, जिसका डिज़ाइन भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। इंट्रो में मैंने आपको बता दिया था कि उसका लिंक मैं यहाँ आई बटन पे दे दूँगी, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ डार्क कलर की एक लेस ली है, गोल्डन टच उसमें वर्क हो रहा है सीक्वेंस का और मोती वाला, बस वो मैंने यहाँ पे ऐड करवा लिया। और ये इसको बहुत ही ज़्यादा सुपर लुक देती है, बहुत अमेजिंग। आप इस तरीके से सिंपल तरीके से अपनी पैंट को डिज़ाइन कर सकते हैं, अच्छी है। ये देखिए इस तरह से, किसी भी कलर का अगर लाइट कलर की पैंट हो उस पर हल्की सी उसी के मैचिंग की डार्क कलर की आप लेस लगा दीजिए, कुछ नहीं करना है, सिर्फ सिंपल डिज़ाइन है इसमें। ये देखिए सिंपल डिज़ाइन मैंने कुछ इस तरीके का सिलवाया है, आई थिंक यू कैन सी, सिर्फ लेस ऐड कराइए। अब हम देखते हैं अपने सेकेंड पैंट डिज़ाइन आइडिया, ये था फर्स्ट। तो सेकेंड पैंट डिज़ाइन आइडिया जो है वो भी सिंपल एंड सोबर ही है। पहले मैं आपको सिंपल डिज़ाइन दिखा रही हूँ। इसमें मैंने देखी ये येलो कलर की पैंट है और इसमें मैंने कुछ नहीं करवाया, सिर्फ यहाँ पे गोटा पट्टी की लेस लगवाई है। देखिए सिर्फ गोटा पट्टी की लेस लगवाई है, उससे भी ये पैंट सिंपल एंड सोबर लग रही है, बहुत ही अच्छा एंड क्लासी लुक देती है। ये इस तरह के डिज़ाइंस नीचे बॉटम में पैंट में आप गोटा पट्टी ऐड करवा लीजिए इसमें। देखिए तो ये हो गया हमारा सेकेंड पैंट डिज़ाइन आइडिया, सिंपल एंड सोबर है। अब हम देखते हैं अपना थर्ड डिज़ाइन। तो थर्ड जो है वो यहाँ पे ये है, रेड कलर की सिल्क की पैंट है गाइज ये, और इसमें मैंने बॉटम में कुछ इस तरीके का डिज़ाइन डलवाया। ये भी गोटा पट्टी का, गोल्डन कलर की गोटा पट्टी है और कुछ इस तरीके का डिज़ाइन है। देखिए थैंक यू कैन सी, कुछ इस तरीके का डिज़ाइन मैंने इसमें डलवाया है, फ्रंट में कुछ इस तरीके का डिज़ाइन बना हुआ है, आई थिंक यू कैन सी। तो इस तरीके का डिज़ाइन भी आप अपनी पैंट में डलवा सकते हैं, जो कि बहुत अलग सा लुक देता है। जब पैंट हमारे बॉटम में, जो पैंट्स हम सिलवाते हैं उसमें कुछ डिज़ाइन होते हैं ना, तो वो अलग ही लुक आता है उसका, पहनने में भी अच्छा लगता है और लोग भी आपसे पूछते हैं कि आपने कहाँ से सिलवाया है ये। ये देखिए बहुत ही सिंपल सोबर लेकिन एलिगेंट लुक ये डिज़ाइन आपकी पैंट को देगा। अब हम देखते हैं अपना फोर्थ पैंट डिज़ाइन आइडिया गाइस। तो फोर्थ पैंट डिज़ाइन आइडिया जो है पैंट, तो यहाँ पे मैंने ऐड करवाई है गोटा पट्टी। ये देखिए कुछ इस तरीके का डिज़ाइन मैंने डलवाया है गोटा पट्टी, और ये जो है ये बीच में ये जो डॉट आप देख रहे हैं ना गाइस, वन सेकेंड, ये जो डॉट आप देख रहे हैं ना, ये इसकी कुर्ती का कपड़ा है जिसमें ये डॉट बने हुए हैं, बस ये गोटा पट्टी जो है वो मैंने अलग से ऐड करवाई है। देखिए ये गोटा पट्टी मैंने इसमें अलग से लगवाई है, ऊपर भी ये गोटा पट्टी जो दी है वो अलग से लगी है, और ये जो डॉट 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 आप देख रहे हैं ना गाइज, ये इसकी कुर्ती का है। तो अगर आपकी भी कुछ इस तरह की कुर्ती है तो आप भी अपने बॉटम में पैंट में जो है कुछ इस तरीके का डिज़ाइन डलवा सकते हैं। ये गोटा पट्टी को मैंने इस शेप में लगवाया है और ऊपर एक गोटा पट्टी ऐड करवा दी है, तो ये भी बहुत ज़्यादा क्लासी एंड अमेजिंग लुक देता है। किसी भी तरह का आपका डिज़ाइन हो तो आप गोटा पट्टी से भी उसको डिज़ाइन बनवा के लगवा सकते हैं। देखिए किसी भी तरीके का आपका फैब्रिक हो, किसी भी तरीके की कुर्ती हो, तो इस तरीके की गोटा पट्टी का डिज़ाइन आप अपनी पैंट में ऐड करवा सकते हैं। देखिए जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लुक देता है। अब हम देखते हैं अपना फोर्थ डिज़ाइन, फोर्थ हो गया आई थिंक फिफ्थ डिज़ाइन आइडिया ना, ओके। तो मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, गोल्डन कलर की पोटली वाली बटन्स जो है ऐड करवा दिए हैं, कुछ नहीं किया है, सिंपल एंड सोबर है, बस पोटली वाले बटन्स जो हैं वो मैंने यहाँ पे गोल्डन कलर के ऐड करवा दिए हैं।
ये देखिए साइड में, साइड की तरफ से पोटली वाले बटन जो है गोल्डन कलर के, वो मैंने ऐड इसमें करवा दिए गाइस। ये भी सिंपल एंड सोबर है बट अच्छा लुक दे रहा है, क्योंकि गोल्डन कलर का इसमें टचअप दिया हुआ है ना। वैसे भी आपको कोई, आप मार्केट से पैंट लेते हैं तो उसमें भी आपको बटन्स लगे हुए मिलते हैं, बट यहाँ पे मैंने गोल्डन कलर के बटन्स लगवाए हैं तो ये अलग लुक दे रहे हैं। देखिए बहुत ही ज़्यादा अलग एंड क्लासी लुक ये दे रहे हैं। ये देखिए आई थिंक यू कैन सी, तो आप इस तरीके के बटन्स भी अपने पैंट्स में लगवा सकते हैं। अगर आपका कोई बॉटम अलग कलर, सॉरी बॉटम अलग कलर का है और ऊपर का जो है वो अलग कलर की कुर्ती है, तो उस कुर्ती के मैचिंग के बटन्स आप जो है अपने पैंट में ऐड करवा सकते हैं। ये देखिए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट पैंट डिज़ाइन आइडिया, और लास्ट है ये। ये देखिए यहाँ पे मैंने साइड में कुछ इस तरीके का, आई थिंक यू कैन सी, कुछ इस तरीके का डिज़ाइन डलवाया है जो कि बहुत ही क्लासी लुक देता है। ये देखिए क्रिस क्रॉस वाला जो डिज़ाइन होता है ना, वो मैंने यहाँ पे पैंट में डलवाया है साइड में। ठीक है, साइड में मैंने क्रिस क्रॉस वाला पैंट का मैं डिज़ाइन डलवाया है। देखिए थिंक यू कैन सी, तो ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत मतलब यूनिक सा है, अलग सा है ये क्रिस क्रॉस वाला साइड में, छोटा सा ही है, पूरा नहीं है, छोटा सा ही है। अगर आप चाहें तो इसी डिज़ाइन को आप पहन सकते हैं, तो थोड़ा ऊपर तक भी इसको करवा लीजिए, करवा सकते हैं, तो वो भी बहुत ही अच्छा लुक देगा पैंट को। अगर आप चाहें तो इस डिज़ाइन को और आगे बढ़वा के थोड़ा बड़ा भी करवा सकते हैं। बहुत सारे डिज़ाइंस होते हैं गाइस जो कि आप करवा सकते हैं, जैसे क्रिस क्रॉस वाला है, डोरी वाला डिज़ाइन आता है वो है, और खाली अगर आप जगह उसमें सिर्फ पट्टियां ऐड कर दें, सिर्फ छोटी 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 पट्टियां ऐड कर दें, इस तरीके का भी डिज़ाइन होता है, डोरी वाला डिज़ाइन है कुछ, उसमें आप मोती ऐड्स करवा सकते हैं, कुछ भी आप उसमें, कोई आप उसमें एम्ब्रॉयडरी वगैरह का कोई फैब्रिक जैसे होता है उसको भी आप ऐड करवा सकते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे डिज़ाइन हैं, बट मैंने जो डिज़ाइंस अपनी पैंट्स में सिलवाए थे, बनवाए थे, वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आई होप पैंट के डिज़ाइन आइडियाज़ आपको पसंद आए होंगे। इस तरीके के जो डिज़ाइंस हैं वो आप अपने प्लाजो में भी सिलवा सकते हैं, अपनी शलवार जो होती है ना उसमें भी आप सिलवा सकते हैं, किसी भी तरीके का बॉटम अगर आप सिलवा रहे हैं सिर्फ शरारा को छोड़कर, क्योंकि उसका घेर काफ़ी बड़ा होता है तो उसमें बनना मुश्किल है। प्लाजो अगर आपका कम छोटा, मतलब जो होता है ना, चौड़ा ना हो ज़्यादा, छोटा हो कम उसका, मतलब चौड़ाई हो, तो आप डलवा सकते हैं। उसमें शलवार है आपकी नीचे, तो उसमें भी आप ऐड करवा सकते हैं इस तरीके के डिज़ाइन। और ऑफ कोर्स पैंट में तो ये डिज़ाइन चल ही रहे हैं, जो कि आपके पूरे सूट को बहुत ही अच्छा लुक दे देते हैं, बहुत ही क्लासी लुक दे देते हैं, और लोग भी हमसे पूछते हैं कि ये आपने कहाँ से सिलवाया है, बहुत प्यारा लग रहा है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे, डिज़ाइन अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को बेल के साथ प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।